नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया न्यूज़ 24x7। बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश के विदिशा जिले से, जहां गंज बसौदा मध्य प्रदेश में जब्त किए गए मटके। सड़क पर मटके बिक रहे थे, एसडीएम ने नगर पालिका की गाड़ी भरवा कर किए जब्त। बच्चों ने लाख की विनती लेकिन नहीं माने प्रशासन के अधिकारी। ये खबर मध्य प्रदेश के विदिशा जिले से, जहाँ एक तरफ शिवराज सरकार गरीबों की मसीहा बनी हुई है, वहीं पर गरीब जनता से उन्हीं का प्रशासन दुर्व्यवहार कर रहा है। शहर के एसडीएम राजेश मेहता ने आला अधिकारी के साथ सड़क किनारे मटके बेच रहे बच्चों पर कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन का हवाला देते हुए कार्रवाई कर दी और बच्चों के दर्जनों मटके नगर पालिका की गाड़ी बुलाकर जब्त कर लिए। बच्चों ने प्रशासन के आला अधिकारियों से हाथ जोड़कर निवेदन किया, लेकिन साहब दुकान यहाँ लगाने पर बच्चों पर बरसते रहे। रोते बिलखते बच्चों ने कहा, हम किसी प्रकार की भीड़ लगाकर मटके नहीं बेच रहे हैं, फिर भी प्रशासन ने हमारे मटके जब्त कर लिए। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि नगर पालिका के कर्मचारी दर्जनों मटके नगर पालिका की गाड़ी में भरकर ले जा रहे हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। आप यह सोच रहे होंगे कि गर्मी को देखते हुए नगर पालिका शहर में प्याऊ की व्यवस्था करेगी, इसलिए शायद दर्जनों की तादाद में मटके भर ले जा रहे हैं, लेकिन आप गलत सोच रहे हैं। दरअसल दर्जनों मटके एसडीएम साहब के आदेश पर गरीब बच्चों से जब्त किए गए। उनका गुनाह यह था कि वह सड़क के किनारे मिट्टी के बने मटके बेच रहे थे, यह कोरोना वायरस का उल्लंघन है। लेकिन गरीब बच्चों की माने तो उनके यह बेचना मजबूरी थी। पूरे साल धंधे चौपट रहे, गर्मी के सीजन में थोड़ी बहुत खरीदारी होती है, इसलिए बच्चे ब्याज से पैसे लेकर मटके बनवाए और जय स्तंभ चौक पर मटके बेचने आ गए। लेकिन साहब को बच्चों पर तरस नहीं आया और पुलिस और नगर पालिका के साथ साहब ने गरीब बच्चों के मटके नगर पालिका की लोडिंग गाड़ी बुलाकर भरवा दिए। बच्चा रोता रहा, अपना दर्द बताता रहा, माफ़ी मांगता रहा, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों ने जरा भी नहीं सोची और सारे मटके भर ले गए। वहीं बच्चे पर चालानी कार्रवाई भी कर दी। वहीं बच्चों का कहना है कि मेरे घर में माँ ख़त्म हो गई है, पैसे नहीं है, हमारी मजबूरी है कि हम कुछ बच्चे बेच कर घर का गुजारा कर सके। हमारी दुकान पर ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी, हम शासन की गाइडलाइन का पालन कर रहे थे, दिन में एक या दो मटके बिकते हैं, जैसे तैसे घर का गुजारा चल रहा था, लेकिन साहब ने हमारे साथ अन्याय कर दिया। देखिए विदिशा से बलराम मेहता की रिपोर्ट। क्या हो गया आपके साथ? क्या हो गया है आपके साथ? कौन आया था? नगर पालिका। आज देखने में आ रहा है कि गंज वासुदा के नगर पालिका एसडीएम महोदय अपने जो यहाँ के वर्तमान में हैं, इन द्वारा एक के कहीं ना कहीं सब्जी बेचारे जो ठेले वाले होते हैं उनके तराजू माट उठा लिए जाते हैं। कार्रवाई इस तरह की क्या सही है गरीब के? देखिए कहीं ना कहीं दो चीज़ें एक साथ नहीं चल सकती। एक तरफ आप शादियों की अनुमति देते हो, दूसरी तरफ कपड़े वालों पर, रेडीमेड वालों पर, जूते चप्पल वालों पर, मनिहारी वालों पर आप कार्रवाई करते हो। अरे जब दूल्हे की बारात लगना है तो क्या बिना वो हार के, क्या बिना कपड़ों के, क्या बिना जूता मोजों के, क्या बिना पगड़ी के उसकी बारात लगेगी? जब आपने अनुमतियां दी हैं तो उस अनुमति के हिसाब से आप उनको अपना व्यवसाय करने दीजिए, या बोलिए ना हम कर्फ्यू लगाएंगे। एक तरफ आप अनुमति भी देते हो और दूसरी तरफ गरीबों के तराजू बांट उठाते हो। मैं तो कहता हूं कि अनुमति देने के बाद प्रशासन की खुद जिम्मेदारी है कि उस अनुमति का पालन कराए, और यदि कोई उसका पालन नहीं करता तो हम ऐसा इंतजाम करें कि जिससे पालन भी हो जाए और उसकी रोजी रोटी भी चलती रहे और उसका वही
सोशल डिस्टेंस बनाओ आप गोले, अपने आप समस्या सुलझ जाएगी। समय निर्धारित करिए ना। कुछ समय पहले किराना व्यापारियों के साथ SDM के तमाम अधिकारियों के साथ बैठक की गई थी, जिसमें किराना व्यापारियों ने बात रखी गई थी कि किराने से संबंधित जो सामान हो घर घर सप्लाई हम करवाएंगे। आज देखने में आ रहा बड़े से बड़े व्यापारी आधी शटर खोलकर अपना सामान वितरित कर रहे हैं और वहीं एक छोटे मोटे दुकानदार को परेशान किया जा रहा है। देखिए, नियम सब पे समान लागू होना चाहिए। और मेरी उन दुकानदार भाइयों से भी अपील है कि घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सरकार के भरोसे मत रहिए। अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं है, बेड नहीं है, दवाएं नहीं है। इंजेक्शन की कालाबाजारी में सत्तारूढ़ पार्टी के बहुत सारे नेताओं के नाम आए, आपको कोई नहीं बचा पाएगा। इसलिए खुद की सुरक्षा खुद करिए। हाँ, यदि जो जीवन यापन वाली चीजें हैं उनका आप यदि व्यवसाय कर रहे हैं तो सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए, खुद सुरक्षित रहते हुए, सामने वाले को सुरक्षित रखते हुए आप समय जो निर्धारित किया गया है उसके तहत अपना व्यापार करिए। आज एक छोटे से मटके की दुकानदार पर कार्रवाई हुई है, जिसमें वो अपना रोजमर्रा की जरूरतों के लिए दुकानदारी कर रहा था, क्या कहेंगे आप? देखिए, देश में और प्रदेश में झूठों की सरकार है, जो सिर्फ और सिर्फ दिनभर TV पे झूठ बोलते हैं, समाचार पत्रों में झूठ बोलते हैं, सोशल मीडिया में झूठ बोलते हैं। कोरोना जैसी महामारी फैलाने के लिए देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री जिम्मेदार हैं। मैं भी दमोह चुनाव में था, दमोह की जनता करा रही थी कि ये चुनाव क्यों एक गद्दार की वजह से लाद दिया गया है। और अभी मैं परसों दमोह था, काउंटिंग के दिन कोरोना का बम फूट रहा है, लोगों के धंधे तहस नहस हो गए, लोगों की दिनचर्या तहस नहस हो गई। और तो और, अर्थियों को कंधा देने वाले नहीं है, शमशान घाटों में जगह नहीं है। और जहां तक हम मटके की बात करें, मटके वालों की बात करें, तो मैं तो कहना चाहता हूं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ाते हुए इंदौर में गोले बनाए थे और कहा था कि गोले के अंदर आदमी रहे और अपना व्यापार करे, तो क्या इंदौर मध्य प्रदेश से के बाहर है? क्या गंजवासुदा मध्य प्रदेश के बाहर है? जब इंदौर मध्य प्रदेश में है तो गंजवासुदा भी मध्य प्रदेश में है। हमारी मांग है, चाहे मटके वाले हों, चाहे सब्जी वाले हों, चाहे किसी भी तरह का व्यवसाय करने वाले लोग हों, जिनको आपने अनुमति दी है उनके दुकान के बाहर, प्रतिष्ठान के बाहर आज प्रशासन गोला बना दे। और उस गोले के बाहर यदि कोई होता है तो आप कार्रवाई कर सकते हैं, मगर यदि आप किसी को रोजी रोटी दे नहीं सकते तो मत छीनो। और यदि आप छीन रहे हो तो प्रति व्यक्ति जितने भी तरह के लोग काम कर रहे हैं, चाहे दुकान पे काम कर रहे हो, साइकिल रिक्शा चला रहे हो, ऑटो चला रहे हो, बड़ई का काम कर रहे हो, जूते का काम कर रहे हो, किसी भी तरह का काम कर रहे हो, मंडी के हम्माल हो, किसी भी तरह का काम कर रहे हो, उनको 10,000 रुपये प्रति माह के व्यक्ति के हिसाब से प्रति माह आप उनको पैसा दीजिए। नहीं तो जे पेट की आँख मुख्यमंत्री जी, अभी तो आपको दमोह में आईना दिखाया है, आने वाले समय में इस पेट की आग का पूरे मध्य प्रदेश की जनता जवाब देगी।